This program is brought to you by IndianFunkar.com. इंडियन फनकार पे मैं रश्मि झा मिश्रा आज आपके साथ इंडियन फनकार की जो कविताओं के एक नए आयाम को पूरे नेशनल लेवल पर ला के आपके साथ रखता है. कई सारे फनकार यहाँ पे आए और आपने उन सबको सबके कविताओं का लुत्फ उठाया. आज मैं रश्मि आपके साथ अपनी एक रचना के साथ आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है कॉपी पेस्ट. 14 फरवरी की शाम को बिना किसी रस्म रिवाज ना ही कोई कविता सीधा ही पूछ लिया था मैंने और उसने भी सीधा ही हाँ किया था. हमारी सोच ही नहीं सांसें भी मिलती है ये सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी मालूम है ऐसा वो कहता था. हमारी सोच ही नहीं सांसें भी मिलती है ये सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी मालूम है ऐसा वो कहता था. लोग बातें करते थे मैं जैसे उसकी कॉपी बन चुकी हूँ. मेरे दोस्त कहते थे कि उसकी बातों में मेरी आवाज की खुशबू आती है. अरे गुदगुदी सी होती थी मेरे जहन में मेरी आवाज की थिरकन से वो मेरी भीतरी दुनिया महसूसता था. कोसों दूर होकर भी वो मेरे बालों को सहला कर पुचकारता था. मैं आंखें बंद करके जैसे उसे भी अपने अंदर रोक रखती थी. उसके एकाक्षरी संवाद में मैं उसके सफर का रुझान देख सकती थी. एक बार उसने कहा था आई एडमायर यू फिर कहा हाँ हुआ तुम्हारी प्रतिभा से आकर्षित हुआ तो कुछ अलग तो नहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं कई सारे लोग होते हैं हो सकते हैं. मैं चुप रही उसकी बात सही थी. एक बार जैसे उसकी जबान फिसली हो बोल पड़ा तुम्हारे साथ इमोशंस जुड़ चुके हैं और अब वापस जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है. फिर एक दौर पर उसने कहा मैं कर भी क्या सकता हूँ आखिरकार घोड़े को घास से मोहब्बत हो चुकी है. मेरे जी में आया कि बादलों से कुछ लहरें उधार ले आऊं चादर में लिपटने के लिए और कहूं कि हाँ लो मैं घास हो तुम्हारी और दस्तखत कर दो इस घास पे ताकि कोई और घोड़ा इस घास पे अपनी नजरें डालने की हिम्मत ना करे. अचानक से एक दिन उसे समाज के सारे नियम नैतिकता की सारी बेड़िया लिहाज और वफाए जैसे याद आ गए. एक पल के लिए मेरा दिमाग मानो सन्न रह गया. पहली बार कोई तर्क नहीं किया मैंने. ढूंढती रही मैं खुद को उसके उन्हीं भाव प्रचुर आंखों में जहां मैंने इस दुनिया की सबसे रंगीन और खूबसूरत सी तितलियां पाली थी समंदर की लहरों से अटखेलियां के थी. खुद को मैंने खुद ही से मिलते हुए पाया था. मेरा रूहानी आईना था वो. आज वो सारी चीजें जो उसकी बदौलत जन्मी थी सोचा उसी में कॉपी पेस्ट कर दो कभी काम आएगी उसे. पर इस वक्त कॉपी करके मेरी उंगलियां मानो थर्रा सी गई है. वो समंदर जैसे मेरी आंखों में उमड़ आया है. मुझे सोचना चाहिए था कॉपी करने से पहले ही कि पेस्ट करने के लिए जगह होनी जरूरी रहती है. मुझे वो जगह उसमें तलाशनी चाहिए थी. थैंक यू सो मच. और अगर आपको ये रचनाएं पसंद आती है अगर आप हमारे साथ इस रचनाओं का लुत्फ उठा पा रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को इंडियन फनकार को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.